धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र संभल जो विधानसभा कुंदरकी के ब्लॉक मुंडा पांडे के अंदर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले, और खाली वहां का नहीं बल्कि कई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया वोटों को साधने की वजह से, और कई बार डेट पड़ चुकी थी कि अब उद्घाटन हो रहा है, 5-6 डेट पड़ने के बाद में उद्घाटन हुआ, लेकिन अफसोस है 4 महीने हो गए उद्घाटन हुए भी, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई फ्लाइट मुरादाबाद से उड़ करके कहीं नहीं गई है। संभल भी हैंडीक्राफ्ट का एक बहुत बड़ा हब है, वहाँ काम होता है और एक्सपोर्ट होता है। मुरादाबाद से भी पीतल की इतनी बड़ी बस्ती है कि वहाँ से काफ़ी सारा सामान बन कर करके एक्सपोर्ट होता है, और जिससे कि अगर वहाँ एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू हो जाता है तो यकीनन वहाँ के हर वर्ग समाज के लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उसको हवा हवाई नहीं बनाया जाए, जल्द से जल्द वहाँ से फ्लाइट को शुरू किया जाए, और फ्लाइट सिर्फ 2-3 जगह नहीं बल्कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि संभल और मुरादाबाद के अंदर जिस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, उस तरह से ज़्यादा जगह को वहाँ से फ्लाइट की शुरुआत होनी चाहिए। और एक माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, अभी एक हमारे सहयोगी कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकेगा, मैं तो ये कहूँगा कि वो हवाई या चप्पल यात्रा करने वाला भी नारा हवाई हो गया है। यकीनन इतने महंगे टिकट होने के बाद किस तरह से हमारा कोई व्यक्ति नागरिक सफ़र कर सकता है, जो प्राइवेट एयरलाइन है, क्योंकि आप लोग निजीकरण पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपने एयरपोर्ट को इंडियन एयरलाइन को भेज दिया, एयरपोर्ट को प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मनमर्जी मुताबिक 2-3 गुने 4 गुने अपने किराया कर देती हैं, तो आम आदमी आसानी से उसको अपना भुगतान नहीं कर सकता, और फिर अगर किसी वजह से टिकट को कैंसिल करना चाहता है तो नामचार का पैसा वापस मिलता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, एक पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे कि इन लोगों की मनमर्जी नहीं चलनी चाहिए, और जो निजीकरण आप लोग लगातार करते जा रहे हो, निजीकरण में ज़्यादा विश्वास है, तो मैं गुजारिश करूंगा आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आप दूसरी नई एयरलाइन, तो जो इंडियन एयरलाइन थी, एक भारत सरकार की पहचान थी, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में और किसी एयरपोर्ट को का निजीकरण नहीं होने देंगे, ख़ास तौर से एयरपोर्ट के अंदर खाने और पानी की जो भी होती हैं चीज़ें होती हैं, अगर कोई नागरिक जाए, कोई अगर सफ़र कर रहा हो, तो उसको खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। मेरी दरख्वास्त है माननीय मंत्री जी से, इस चीज़ पे भी पॉलिसी बनाएं, और इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर सफ़र कर रहा है तो उस चीज़ पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें में एक लिमिट होनी चाहिए, अननेसेसरी मनमर्जी मुताबिक उसके दाम नहीं बढ़ने चाहिए। मैं आप अपनी बात यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस उम्मीद के साथ में कि आपका संज्ञान माननीय मंत्री जी का दिलाना चाहता हूँ कि मेरी बात पर गौर करते हुए हमारा मुरादाबाद संभल के जो एयरपोर्ट है उसको जल्द से जल्द शुरू कराने का काम करेंगे। धन्यवाद माननीय श्री अजय भट्ट जी।